यहाँ पर सरदार साहब को याद किया गया, मुझे अच्छा लगा। और ये बात हम सब मानते हैं, हो सकता है हमारे कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं मानेंगे, हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती, चित्र अलग होते। ये हमारी सोच है, गलत हो सकती है हमारी सोच, लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया, इसमें कोई मतभेद नहीं। और सरदार साहब थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने देश का पहला गृहमंत्री बनाया था। सरदार साहब थे जो जीवन भर कांग्रेस के लिए जिए, कांग्रेस के लिए जूझे, कांग्रेस के लिए ही उन्होंने अपना जीवन खत्म किया। वो शुद्ध कांग्रेसी थे। लेकिन मैं हैरान हूं, अच्छा जब गुजरात में चुनाव होता है तो सरदार साहब पोस्टर में दिखते हैं लेकिन देश में कहीं नजर नहीं आते। आप ही की पार्टी के थे भाई, क्या तकलीफ है आपको? लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहूंगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस पार्टी ने जिसका गृहमंत्री बनाया, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कम से कम एक बार जाकर के जरा श्रद्धा सुमन देकर के आ जाए। सरदार साहब कांग्रेस के थे, आप ओन कीजिए ना, आप ओन कीजिए। और मैं चाहूंगा गुलाम नबी जी कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। देखिए कभी क्या होता है, पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं, हमारे यहां पुराने नियम कैसे चलते हैं। कहीं डैम होगा, एयरपोर्ट होगा तो कहते फोटो निकालने की मना है। अब आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो स्पेस में से गली में खड़े हुए स्कूटर के नंबर की फोटो निकाल सकते हैं, लेकिन पुराने कानून पलट के पड़े हैं। तो जो सरदार सरोवर डैम जब ओवरफ्लो होता था, तब तो बना नहीं था तो ओवरफ्लो होता था, उधर दिग्विजय सिंह की सरकार चलती थी, तो ये लोगों को जना जाने नहीं देते। ऐसे में ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने कहा नियम बंद करो भाई और लोगों को आने दो और फोटो भी निकाल ले। तो शुरू किया, फिर ये तय किया कि अच्छा टिकट रखा थोड़ा ताकि थोड़ा हिसाब किताब रहे, लोगों का पार्किंग वार्किंग व्यवस्था हो। फिर ये कहा कि जब 5 लाख वहाँ नंबर होगा, जो 5 लाख का विजिटर होगा उसको हम सम्मानित करेंगे। और मुझे खुशी से कहना है कि जो 5 लाख वहाँ नंबर का इनाम प्राप्त करने वाला बारामूला का कपल था जो शादी के बाद निकला था और वहां उसने फोटो निकली। देखिए चीजों को कैसे बदला जा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप भी कभी सरदार साहब के स्टैच्यू पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी करे जी, वहां अच्छा लगेगा, कांग्रेस के थे जी, हमें तो देश के महापुरुष के नाते हमने तो जो श्रद्धांजलि देनी है हम देते रहेंगे।